देहरादून के विधानसभा मार्ग पर लगी शक्तिमान की मूर्ति रातों रात गायब हुई। सूत्रों की माने तो शक्तिमान की प्रतिमा का लोकार्पण किया जाना था, लेकिन मामले में हो रही किरकिरी और सोशल मीडिया पर चल रहे लोगों की नाराजगी के चलते इसे हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि देर रात पुलिस की मदद से इसे हटा दिया गया है। उत्तराखंड में बागी विधायकों की सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 18 मार्च को कांग्रेस के 9 विधायकों ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बागियों की सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द कर दी थी। इसके बाद बागियों ने कोर्ट की शरण ली थी। करीब 3 महीने के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट को महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल मिल गया है। समाचार पत्र पर लगातार इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद हरीश सरकार ने बीएस नेगी को महाधिवक्ता बनाया है। देहरादून में गढ़वाल मंडल विकास निगम के कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला। कर्मचारियों को वेतन न मिलने का सिलसिला 2 साल से जारी है, लेकिन विभाग के मंत्री कोई एक्शन लेने को राजी नहीं है। भारतीय सेना की इंटेलिजेंस शाखा में नौकरी कर चुके युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी मुकेश सैनी मोबाइल पर ब्लूटूथ लगी डिवाइस के जरिए एसएससी आर्मी और महिला आरक्षी भर्ती परीक्षा में युवाओं को नकल करवाता था। ये उत्तराखंड सचिवालय में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर तैनात था। उत्तरकाशी में देर रात से हल्की फुल्की बरसात जारी है। बरसात ने गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी है। बरसात न होने से काश्तकार भी बहुत परेशान थे, उनके चेहरे पर अब खुशी वापस लौट आई है। उत्तरकाशी में आपदा से निपटने की पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी। जवानों को आपदा प्रबंधन की गुर सिखाने के लिए पुलिस लाइन में 7 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। रामनगर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं संग बैठक की, जिसमें आगामी चुनाव पर चर्चा हुई। कांग्रेस को निशाना साधते हुए कहा कि गैरसैंण पर सरकार अपना रुख साफ करे। अरबों खर्च कर 3-3 राजधानियों का बोझ राज्य सहन नहीं कर सकता। हरिद्वार में ऑक्टागन बिल्डर्स पर ठगी का आरोप लगा है। बिल्डर्स पर दिल्ली के रहने वाले प्रीतम सिंह ने 3.25 करोड़ ठग लिए हैं। पतंजलि योगपीठ के पास प्लॉट दिखाकर बैंक लोन दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। तुर्की में देर शाम नगर निगम के पास से 2 महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर जोरदार हमला बोला। महिलाओं ने पुलिस से धक्का मुक्की की और जमकर मारपीट की, गाली गलौज भी किया। हल्द्वानी में हुए सलमान मर्डर केस में एसएसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया, साथ ही पुलिस को जल्द खुलासे के निर्देश दिए हैं। सलमान की पत्थरों से कुचलकर हत्या की गई थी। सीएम हरीश रावत ने वाहवाही लूटने के चक्कर में अपनी फजीहत करवा दी। उन्होंने उद्योग धंधे के मामले में उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बना दिया, लेकिन जब केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रिपोर्ट सामने आया तो हकीकत सामने आई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की भूमि में अतिक्रमण कर प्रशासन के द्वारा रेलवे के अधिकारियों को सहयोग न करने के मामले में स्थिति साफ करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना को लेकर धीरे धीरे गैस वितरण एजेंसी लामबंद हो रही है। एजेंसी कह रही है कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस वितरण एजेंसी सरकार का बोझ ज्यादा हो गया है। बीते 2 सप्ताह में नियमितीकरण की मांग को लेकर उपनल कर्मियों का धरना चमोली में जारी है। उपनल कर्मी सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें नियमित किया जाए और विभागों में ही मर्ज कर दिया जाए। हरिद्वार नगर निगम का सभागार में बोर्ड बैठक के दौरान कांग्रेसी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। बोर्ड की बैठक चलने नहीं दी गई। कांग्रेसी पार्षदों ने कहा शहर की व्यवस्था चरमरा चुकी है और नगर निगम दिवालिया होने की कगार पर जा पहुंचा है। कालाढूंगी थाना अंतर्गत हल्द्वानी मार्ग में भागड़ा नदी के पास सड़क किनारे जंगल में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैली हुई है। नैनीताल में राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के तहत जनसंख्या स्थिरीकरण और कन्या बचाव पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को शामिल किया गया है। विकासनगर में आपदा पीड़ितों को मुर्गियों के टेंट में रखा गया है। इस बात पर बीजेपी ने सरकार पर हल्ला बोला। मुन्ना सिंह चौहान ने सीएम को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि सीएम आपदा प्रबंधन को लेकर ढकोसले कदावाही कर रहे हैं। नैनीताल में साल 2010 में शिक्षा विभाग के शिक्षकों के फर्जी तरीके से स्थानांतरण के मामले ने धूल पकड़िया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के दफ्तर पर प्रदर्शन किया और शिक्षकों पर जल्द कार्रवाई न करने पर अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है।